बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। जहानाबाद के पीपीएम स्कूल में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मातृ पूजन दिवस। वहीं सीबीएसई बोर्ड 10th व 12th में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जी हां, जहानाबाद जिले में अवस्थित पीपीएम स्कूल में मातृ पूजन दिवस मनाया गया। इसका शुभारंभ हरे रामाचार्य जी महाराज द्वारा किया गया। इस मौके पर बच्चों ने माँ से संबंधित अपनी प्रस्तुति से लोगों को भाव विभोर कर दिया। वहीं इस मौके पर सीबीएसई 10th व 12th में बेहतर रिजल्ट लाने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया एवं अभिभावकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जहानाबाद जिले में 10th में अखिल कुमार द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने पर विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर एस के सुनील व एमपीसी विद्यालय के डायरेक्टर प्रमोद कुमार द्वारा अखिल कुमार व उनके पिता को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 10th में अव्वल प्रदर्शन करने पर अखिल कुमार ने बताया कि मैंने पीपीएम स्कूल से 10th की परीक्षा पास की, जिसमें यहां के निदेशक सुनील सर व प्रिंसिपल सहित अन्य शिक्षकों का काफ़ी सहयोग मिला। वहीं इस मौके पर अखिल कुमार ने कहा कि एमपीसी विद्यालय के डायरेक्टर प्रमोद सर का मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही शानदार रहा, जिसकी बदौलत हम इतने अच्छे अंक ला पाए। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर एस के सुनील ने अपनी शुभकामनाएं बच्चों को दी। वहीं इस मौके पर डायरेक्टर डॉक्टर एस के सुनील ने कहा कि बच्चों को अब और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये उनकी ये पहली परीक्षा है। वहीं इन्होंने और भी कहा कि आगे कठिन परीक्षाएं आएंगे, इसका सामना करना है और पूरे हौसले के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता की मंजिल को छूना है। वहीं एमपीसी विद्यालय के डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने भी अखिल कुमार सहित सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीपीएम स्कूल के डायरेक्टर सुनील सर, प्रिंसिपल इंदु कश्यप मैडम का हमेशा साथ मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, जिसकी बदौलत मैं भी बच्चों को सही रास्तों से अवगत कराता हूं, जिसका परिणाम है इस बार बच्चों ने अव्वल प्रदर्शन किया। माहौल काफी खुशनुमा था, पूरा पीपीएम स्कूल खुशियों से सराबोर दिख रहा था। आज मैं खुश हूं कि निखिल कुमार, जिसको बचपन से मैंने शिक्षा सर का संरक्षण रहा, आज जिला में टॉप लाकर माता पिता का नाम रोशन तो किया ही, साथ ही साथ हम शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाया। हम शिक्षकों का मान सम्मान बच्चों पर निर्भर करता है। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो भी इंसान सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, उनका कभी हार नहीं होता, यूं ही किसी की जीत नहीं होती, और मेहनत करने वाले की कभी हार हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा 97.6% आया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। मैंने पीपीएम से पास आउट किया, जिसमें हमारे प्रमोद सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो मुझे 8th क्लास तक उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और पूरा फाउंडेशन उन्होंने ही बनाया। उनका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट था, जिसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा मन है आगे चलकर इंजीनियरिंग करने का। जहानाबाद जिले में पीपीएम स्कूल राजा बाजार जहानाबाद का सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कल 12वीं और 10वीं का जो परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है, उसमें पीपीएम स्कूल का शानदार प्रदर्शन रहा है। और ख़ास करके 10th में हमारे विद्यालय के अखिल कुमार जिला टॉपर हैं, जो 97.6% नंबर लाए हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो 90+ लगभग 20-22 बच्चे हैं। किसी स्कूल का 2-4 बच्चों को अच्छा करना बहुत अच्छी बात नहीं है, और जो भी बच्चे हैं वो 70+ नंबर लाए हैं। क्या कहेंगे तो सफल विद्यार्थियों को? इस पर मैं जो हमारे जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो अच्छा किए हैं, उनको तो बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ साथ जो कम नंबर लाए हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि और भी मेहनत, कड़ी मेहनत करके अपनी मुकाम को हासिल करें, और जो बच्चे अच्छे किए हैं वो अपने प्रदर्शन को बराबर अच्छे करते रहें, यही मेरे उनके प्रति संदेश है, शुभकामना है। और ख़ास करके मैं उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके जो इस सफलता में जो उनके लगे हुए और भी जो शिक्षकगण हैं,
मैं उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जो बच्चे को मार्गदर्शन दिए। और इस मौके पर सबसे बड़ी शुभकामना के पात्र हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे शिक्षकों की टीम ने जो इतनी मेहनत की, हमारे प्रमोद सर, जो बच्चा निखिल कुमार है, अखिल कुमार जो है जो जिला टॉपर है, उसको प्रमोद सर जो एमपीसी के डायरेक्टर हैं उनके निर्देशन में बचपन से ही पढ़ा है, मैं इसके लिए प्रमोद सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिला टॉपर के जो अखिल कुमार हैं, उसके पिताजी जो दिलीप बाबू हैं, वो मैं उनको भी बहुत आभार, उनके जो माताजी हैं उनको भी बहुत आभार, जिन्होंने ऐसे संतान पैदा किया है। और कोई किसी बच्चे को अच्छा करने में माता पिता का अहम योगदान होता है। मैं अजीत बाबू को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं इसी सफलता के बाद, उनको क्या कहेंगे? जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं वो आगे चल के उनका परिणाम गलत होता है। बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, मेरी मान्यता है, मेरी सोच है। हजारों बच्चे हमारे यहाँ से पास किए हैं और हम देखे हैं कि जो कम नंबर भी बच्चे लाए हैं आगे चल के बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अगर जो बच्चा बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया 9th में 12th में और जाके आगे ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, तो उनका आगे का परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहा। इसलिए मैं उनको, उन बच्चों को यही आशीर्वचन के रूप में कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और जिस तरह से उन्होंने तैयारी की है इसको निरंतरता बनाए रखें। किसी भी शिक्षा के लिए मैं सबसे ज़रूरी बात, अहम बात यह है कि उसमें वो अपना सेल्फ स्टडी करे और अपनी निरंतरता को कायम रखे। मैं अखिल कुमार को कहूँगा या सारे जो प्रतिभाशाली लड़के हैं जो अपनी निरंतरता को बनाए रखें, सेल्फ स्टडी करके अपने शिक्षकों के निर्देशन में अपनी निरंतरता को बनाते हुए आगे का शिक्षा प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि मेरा अखिल आगे चल के बहुत उच्च अधिकारी बनेगा। इसी विश्वास के साथ मैं सभी प्रतिभावान बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वचन देता हूँ, उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ और अपने शिक्षकों को भी के प्रति भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पूजन दिवस मनाया जा रहा है, आज के कार्यक्रम के बारे में मेरी मान्यता है कि इस संसार में लाने का, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई बड़ी चीज है तो वो माँ है। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जिन्होंने जिनके सौजन्य से, उसमें पिता भी तो पूजनीय है लेकिन माता अहम पूजनीय है, जिन्होंने जो अपार कष्ट सह करके, अपार वेदना सहते हुए बच्चे को पैदा करती है। और बच्चों को माँ से शुभेच्छु कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मैं बच्चों में संस्कार युक्त शिक्षा देने का मैं काम करता हूँ। और संस्कार बना रहे तो जिसके बदौलत हम लोग पैदा हुए हैं और इस संसार में हैं, मैं उनके लिए आज मातृ पूजन दिवस का कार्यक्रम रखा हूँ। और मैं सारे बच्चों को यही बताऊँगा या सबको बताऊँगा कि माँ जो होती है ये दुनिया का सबसे अनुपम उपहार है और माँ को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, कभी भी माँ को दुखी नहीं करना चाहिए। माँ ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जीवन का ऐसा एक रिश्ता है कि जो निस्वार्थ अपने बच्चे को पालती है, मानती है, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु हो। इसलिए मैं अपने सभी माताओं को एक बार इस मातृ दिवस के पूजन दिवस के अवसर पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज हमारे बीच हुलासगंज के श्री श्री 1008 श्री स्वामी हरिरामाचार्य जी महाराज आए हुए थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और उन्होंने आशीर्वचन के रूप में भी यही बात कहा है कि माँ दुनिया के सर्वोपरि रिश्ता होता है, सर्वोपरि त्याग की प्रतिमूर्ति होती है माँ। इसलिए सभी को अपनी माँ का आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और आज हमारे बच्चे रामायण पर भी बहुत अच्छे तैयारी करके रामायण का कार्यक्रम कर रहे हैं, रामायण पर कार्यक्रम कर रहे हैं और मातृ दिवस पूजन के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं उन बच्चों को, प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके माँ पिता को भी धन्यवाद देता हूँ।